नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से शाह आलम की खास रिपोर्ट। तो बने रहिए चैनल के साथ। इस न्यूज में एक ऐसा संदेश है जिसे देख आप भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है, मैं प्रीति वर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आपकी खास खबरों के साथ। देवरिया खुखुंदू थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बसटीला में एक ऐसा ब्राह्मण परिवार जो मुस्लिमों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता आ रहा है, या यूं कह लीजिए इस नफरती माहौल में गंगा जमुना की तहजीब को दर्शाता है। रवि मिश्रा ने कहा, जाति नहीं मानता, मेरे दुख सुख में मेरे साथ या मेरे लिए जो दो कदम चला वही मेरा है। मास्टर कैसुल्लाह ने बताया, हम इस त्यौहार को क्यों मनाते हैं। आज मुहर्रम का त्यौहार है जिसमें वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम एक साथ इस त्यौहार को मनाते हुए दिखे और अच्छा संदेश भी गया। लोगों को इसी तरीके से एकजुट होकर मिलजुल कर त्यौहार मनाना चाहिए। जात पात और धर्म को न देखकर एक इंसानियत का धर्म देखिए। इंसानियत का धर्म क्या कहता है? एक दूसरे से प्रेम कीजिए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए, यही धर्म है। नमस्कार, आरबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के ग्राम बसडीला में आए हुए हैं और आज मुस्लिम लोग का त्यौहार है मुहर्रम। इसी के दृष्टिगत आइए हम एक ऐसे परिवार के पास चलते हैं, लिए चलते हैं आपको, जो कि आज से नहीं आदि से मुस्लिमों के साथ ब्राह्मण परिवार है, मुस्लिमों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते आ रहे हैं, उनके हर सुख दुख में काम आना, उनके हर समस्याओं के लिए एक पैर पे खड़े रहना उनके लिए। आइए सीधे उनके पास चलते हैं, कुछ बात करते हैं उनसे। तो सर, आपका नाम क्या है? रवि प्रताप मिश्र। सर, इस समय जो मुहर्रम का त्यौहार चल रहा है और ऐसे में लोगों की ये सोच है, बार बार लोग चर्चा करते हैं या कहते बताते हैं कि एक परिवार ऐसा है जो कि आज से नहीं आदि से हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते आ रहा है, तो इसके पीछे आपकी क्या राय है, क्या सोच है आपकी? हम तो पहले जाति मानते ही नहीं। पहले तो मैं ये मानता हूँ कि भाई मेरे सुख दुख में जो चला वही मेरा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। और ये मैं कोई नया नहीं कर रहा हूँ। मेरे पूर्वज जो उत्तर प्रदेश के बड़े ठेकेदार माने जाते थे, आर के मिश्रा, वो भी किसी मुस्लिम सम्मानित मुस्लिम को भाई ही कह के बुलाते थे। अब इसको चाहे मेरा सम्मानजनक शब्द मानिए, चाहे मेरी मजबूरी मानिए कि मैं उनको काका चाचा जो भी ताऊ जो भी कहना होता है मैं कह के संबोधित करता हूँ। आइए, मैं अपने लिए फख्र की बात समझता हूँ कि कम से कम उनके लिए दो कदम मैं चलने का कार्य करता हूँ। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप इस समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत बड़ा कार्य तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जात धर्म मजहब से उठ करके मानवता को लेकर के सबके सुख में चलने का कार्य किया जाए। मैं यही विशेष करके शहर लोगों से आग्रह करूँगा, मेरी यही शुभकामना है बस। सर से बात करने के धन्यवाद आपका। सर, आपका नाम क्या है? मास्टर कैसुल्लाह है नाम। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो मुहर्रम है, इस मुहर्रम को क्यों मनाया जाता है, आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है? इसके पीछे सच्चाई ये है कि हम हिंदू मुसलमान सब मिल करके इस त्यौहार को मनाते हैं और अत्याचार पर विजय पाने के लिए हम एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। यही वजह है, खास वजह यही है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आरबी न्यूज से हम शाह आलम खान। डिजाइन चेंज करना था, लकड़ी की लगाता जा रहा है।
दबा के नगीले के पीछे रहता नहीं।